पीएचआई विभाग जिला कुलगाम के अमनोचकपुरा क्षेत्र में परिचालन जल फिल्टर संयंत्र बनाने में विफल रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है और गंदे पानी कूड़ा करकट और कीचड़ से भरा हुआ है, लेकिन पीएचआई विभाग की लापरवाह रवैये के कारण संयंत्र अभी भी निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने कई बार जिला प्रशासन, पीएचआई विभाग के उच्च अधिकारियों और बैक टू विलेज कार्यक्रम के अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन बार बार दी गई दलीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बीच क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने उपायुक्त कुलगाम और पीएचआई विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले को देखने और प्राथमिकता के आधार पर इस मुद्दे का समाधान करने की अपील की। एबीडी न्यूज के लिए आशिक अली की रिपोर्ट। चकपुर, मेन नाम मोहम्मद सुडार। अस पे कैसा वर्त पे फिल्ट्रेशन आमन सो चलान कैं वर्स कर आराम तम पु फिल्ट्रेशन बंद कर ताकि असा आब सफाई पकान कहें आब पकान खाली रबून सूत पकान गा बेगा सोन नलक खुशक वन कैन शहर त्रेस तुझे बुत कहें सब पे सोन जनान मोहनी कलन पे गरिया और मुस्तमाल कर्मुत अत कम पर कर वन डी सी साहबस अपील तुहद वसात गोस फिल्ट्रेशन नो चालू गो यम सोन अयाल योर सोन बस्ती सोन पसेंजर रूद यम सेहतियाब रोज